हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम को क्रैक करने के लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। यानी कि इस वीडियो में आपको वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा चाहे कुछ भी हो जाए अपने एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ऑलरेडी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है, जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 दिन पहले आपको बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे बेस्ट बुक्स के बारे में बताया था जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम के लिए जबरदस्त लेवल की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हां दोस्तों, आपको याद दिला दूं 26th of January यानी कि रिपब्लिक डे के दिन ही शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 12 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के जबरदस्त सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे साल के एक साथ सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 26th of January थर्सडे का दिन है, गणतंत्र दिवस है, शाम 5 बजे धमाका करते हैं मिलकर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं सभी सब्जेक्ट वाइज यहां पर फ्लैश होते रहेंगे, तो सभी टॉपिक्स को प्रॉपर नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि अपने एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स आपको कुछ भी करके प्रिपेयर करने ही करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इस बार। जी हां, मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस। देखिए फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस भी एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आ रहे हैं तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो ही लेकर आऊंगा, जहां पर आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर कैसे पढ़ने, कब से कब तक का पढ़ने, लेकिन फिलहाल टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में सुन लीजिए। तो भाई, करंट अफेयर का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स। फ्रेंड्स, 2022 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, ये सभी इंडेक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, और कौन से इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग थी ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट्स। 2022 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, चाहे वो आपका रेलवे बोर्ड के नए CEO नियुक्त किए गए हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हों, या फिर ONGC के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हों, या फिर BCCI के नए अध्यक्ष चुने गए हों, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बुक्स और ऑथर। 2022 में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, स्पेशली जो शशि थरूर जी ने किताब लिखी है वो तो एग्जाम में गारंटीली पूछी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड्स। 2022 में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हों, या फिर किसी भी खेल के क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हों, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हों, या फिर हमारे पद्म अवार्ड्स हो, सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एग्जाम में गारंटीली क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है समिट्स। इंटरनेशनल लेवल पर 2022 में जितनी भी समिट्स हुई हैं, यानी कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो 2020 का 22 का ब्रिक्स सम्मेलन हो, G20 हो, G7 हो, संघाई सम्मेलन हो, क्वाड सम्मेलन हो, सभी आपको अच्छे से प्रिपरेशन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कौन से सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने करी ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 6th, स्पोर्ट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, खेल से रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली SSC के एग्जाम्स में, चाहे वो ICC से रिलेटेड क्वेश्चन हो, IPL से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा बहुत ज्यादा, FIFA वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा 2022 में जो हुआ, साथ ही हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा जो कि उड़ीसा में हुआ, साथ ही ओलंपिक 2020 या फिर कॉमनवेल्थ 2022 से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रिपेयर करिएगा दबा के। नेक्स्ट है स्कीम्स 2022 में जितनी भी नई योजना बनी है, चाहे वो स्टेट लेवल की योजना हो या फिर सेंट्रल लेवल की योजना हो, सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे कि आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया, विश्व एड्स दिवस हो गया, विश्व कैंसर दिवस हो गया, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करेगा, साथ ही इनके थीम भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बजट 2023-2024 फरवरी में जो नया बजट पास होने वाला है उसको प्रिपेयर करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है 2 देशों या फिर 3 देशों की सेनाओं के बीच में, आपको प्रिपेयर करना है कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में हुई है। साथ ही फ्रेंड्स,
स्टेट सीएम और गवर्नर, फिलहाल किस स्टेट के गवर्नर कौन है और सीएम कौन है, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर के ये 10-11 टॉपिक भी कवर कर लेते हो तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आप करंट अफेयर के सही करके आ जाओगे, क्लियर है। और वैसे आने वाले टाइम में ये सभी टॉपिक मैं आपके कवर करा दूंगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिक जीके का फोक डांसेस, यानी कि जितने भी लोक नृत्य हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। साथ ही फेस्टिवल, जितने भी त्योहार हैं या फिर महोत्सव हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों, बुक और ऑथर, जोन सी बुक ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछी जा रही है बहुत ज्यादा। नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, स्पेशली 1915 से लेकर 1947 तक के सभी प्रिपेयर करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन, यानी कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। साथ ही सोलर सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि जो ज्योग्राफी का सौर मंडल टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि आपने कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में नोटिस किया होगा, बहुत ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस किया जा रहा है, जिसमें से आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही अमेंडमेंट संशोधन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। साथ ही मोन्यूमेंट्स और टेम्पल, जितने भी भारत के अंदर बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं या फिर मंदिर हैं प्रसिद्ध, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, प्रिपेयर करेगा। रिवर और लेक, यानी कि जो नदियां हैं हमारी, साथ ही जो लेक हैं, झीलें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनकी लोकेशन पूछी जाती है। फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कुछ भी करने वाला पहला इंसान, महिला हो या फिर पुरुष हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ ही बैटल्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में बहुत सारे युद्धों से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, जितने भी हिस्टोरिकल बैटल्स हैं, कौन सा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, कब वो युद्ध लड़ा गया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, हिस्ट्री के अंदर जो फाउंडर होते हैं ना, संस्थापक किसी भी राजवंश के, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेगा। साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हिस्ट्री का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जिसको जानते हैं, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 14-15 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी हिस्ट्री जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए, पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करते रहिए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से ज्योग्राफी को कवर करते रहिए, लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये टॉपिक छूट ना पाए किसी भी हालत में, क्लियर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, बताने का तो सिलेबस बहुत बड़ा है। फाइनली बात करते हैं सेकंड सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश ऐसे सेक्शन है जिनमें आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों सेक्शन के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एंटोनियम वोकैबुलरी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में गारंटेडली देखने को मिलेंगे। सिनोनियम से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इडियम फेज से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटेडली है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। स्पेलिंग टेस्ट से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्का है। क्लोज टेस्ट से हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पक्के हैं। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया क्लोज टेस्ट के ऊपर कैसे प्रिपेयर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और जितना ज्यादा हो सके क्लोज टेस्ट के ऊपर हार्डकोर प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। स्पॉटिंग एरर से 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे, इसलिए प्रिपेयर करिए दवा के। फिल इन द ब्लैंक्स के किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली आर्टिकल होते हैं, सिंगुलर प्लूरल भरने होते हैं, साथ ही जो आपका एक परिपोषण होती है वो भरने होती है मोस्टली, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करिएगा। और जो स्पोर्टिंग एरर होती है ना एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें सिंगुलर प्लूरल की काफी ज्यादा एरर होती है, इस टाइप की मैंने नोटिस किया एनालाइज करके, ठीक है। तो इंग्लिश के ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, दबा के फोकस करिएगा, मजा आ जाएगा। बाकी इन नौ टॉपिक से बाहर इंग्लिश के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी और कुछ आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है रीजनिंग एबिलिटी। तो भाई रीजनिंग के अंदर भी हमारे 10-12 टॉपिक है, जिसमें से फर्स्ट सीरीज है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्के हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्के हैं, जहां पर आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है, फिर क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दे, तो फाइनल आंसर क्या होगा। डाइस से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिसको आप कथन निष्कर्ष भी बोल देते हो, उससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पक्का है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली आएगा, नॉन वर्बल का टॉपिक है। मिरर इमेज, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है।
सिलोगिज्म बेसिक क्वेश्चन आएगा, एक आएगा एनालॉजी से, एक से दो क्वेश्चन आता है। एम्बेडेड फिगर मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी सारे लोग गलत कर देते हैं, एक क्वेश्चन पक्का है। फिगरल क्लासिफिकेशन जहां पर आपको फिगर पहचाननी होती है, नॉन वर्बल का टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट से आपको हर एक सीट में एक से दो या फिर तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से बेसिक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये भाई 12-13 टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीजनिंग के ऊपर इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन, हर एक सीट में दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक होता है आप कर लोगे। परसेंटेज से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन से हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एवरेज से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको गारंटेडली मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन गारंटेडली मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से हर एक शिफ्ट में आपको दो क्वेश्चन गारंटेडली मिलेंगे। मैन्यूरेशन से हर एक शिफ्ट में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर जो ग्राफ आ जाता है ना, उससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपको एक या फिर दो या फिर तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इस बार तो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद ये डेटा सामने निकल के आया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि चारों सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और एग्जाम से पहले इन सभी को आप अच्छे से फोकस कर लोगे। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि भाई यही टॉपिक पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा और बाकी कुछ पढ़ो ही ना। जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहिए। जो टीचर फिलहाल आपको गाइड कर रहा है उसकी गाइडेंस के अंदर आप पढ़ सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, लेकिन भाई ये टॉपिक एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाने चाहिए। इन टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। देख लीजिएगा, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत डीपली एनालाइज किए हैं, तब जाके ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बहुत ज्यादा मेहनत लगी, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली जरूर ले लीजिएगा। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आ रही है, वेट करिए, धमाका करेंगे, जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके लिए दो दिन से तैयार करने में लगा हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।